हमारा संगठन निश्चित रूप से छोटा सा संगठन है, प्रयास करता है छोटी छोटी इकाइयों को, ये जो यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए, यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने लोग को अगर हम अपना संदेश इतने लोगों को भी पहुँचा पाएं कि बचाव कैसे करना है अपने मिनिमम संसाधन, अपने मिनिमम रिसोर्स से, कोई घायल हो गया तो हमें बचाव करने वाले इंडिया में बहुत आ जाते हैं, कोई उसे चोट लग जाए तो 20 लोग ले लेंगे और 20 लोग 20 तरह की सलाह दे देंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक सलाह जिससे जान की लाइफ की संभावना सबसे बेहतर होती है, अपनी सेफ्टी, फिर पड़ोस की सेफ्टी, फिर सभी की सेफ्टी, फिर जिले की सेफ्टी और फिर प्रदेश की सेफ्टी, फिर देश की सेफ्टी। आप जैसे हो वैसे देश, कहीं वो देश अलग से नहीं है, बताइए क्या करें। हाँ, किसी मजबूत चीज के नीचे बैठ जाए, यही पढ़ रहे थे क्या के संबंध में जाने, अर्थक्वेक के संबंध में जाने, फायर के संबंध में जाने, ब्लीडिंग के संबंध में जाने, चोकिंग के संबंध में जाने, हार्ट अटैक के संबंध में जाने, तो बेहतर होगा जहां आप बताओ झुक जाओ, इनको झुका के, अब अगर खड़े खड़े ठोक रहे हैं और झुका कर ठोक रहे हैं तो एक नई चीज हुई कि नहीं, कहा कि झुक जाइए, झुक गए और ठोक रहे नहीं, कुछ हुआ तब भी कुछ नहीं। अब हम ये हाथ को पकड़िए, ऐसे एक मुट्ठी बांधिए एक हाथ से, दूसरे को ऐसे करिए, ऐसे ऐसे यहां पर ठीक ऐसे, और इनके नाभि पर, अंदाजन नाभि पर, और आगे को पुश करना, 1 2 हम उसको लिटा देंगे, उसके बटन को कंफर्टेबल कर देंगे खोल करके, बेल्ट को इजी कर देंगे, और यही काम दोनों तरफ पैर ला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर उनको खोल के देखेंगे, अगर कोई चीज फंसी है तो निश्चित वो बाहर को दिखेगी, मानेंगे इस जगह, और अगर लंबा हमें मिल गया डंडा, डंडा अगर मिल गया या बड़ा फट्ठा मिल गया लकड़ी का या कोई मतलब स्टिक मिल गई, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ से बांध लेंगे, ये जैसे ये है यहाँ अगर फ्रैक्चर हुआ है तो लेटेगा, तो लेटा रहेगा तो हम बड़ी डंडी लेकर के यहाँ से लेकर के वहाँ तक बांध लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा वो स्टेबल हो जाए, पट्टी गमछा पेपर नहीं, जो चीज हो उससे आप कॉपी है, कॉपी को कर सकते हो, और गोपीनाथ मुंडे जी का सर्वाइकल कला फ्रैक्चर हुआ था जो ये पकड़ी इधर, और आपके पास कुछ नहीं मिला, देखिए पट्टा है गले में, जो मिल जाए, ये पट्टा है, टाई है, हमें मतलब मिनिमम रिसोर्सेज से इसको बांध करके, इतना तेज नहीं बांधना है कि पता चले कि ये यहाँ से लेके ऐसे बांध दिया तो ये क्या हो जाएगा कि अब इनकी जो मुंडी है वजह ऐसे होने के अब इस पर टिकी रहे, तो इससे स्पाइन कार्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, घायल है पड़ा हुआ है, इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमारे पास बेडशीट है तो हम गमन से भी उसको उठा सकते हैं, कैसे उठाएँ चिपका उठा ले जाएंगे, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, उसको आसानी से ले जाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सकता है या गाड़ी में भेजा जा सकता है, और अगर ऐसे हाथों से उठा लिया तो हो सकता है उसको अगर कहीं कमर में या रेयर की हड्डी में फ्रैक्चर है तो उसका फ्रैक्चर बढ़ जाए। बच्चों अगर आग लग जाए मान लीजिए कहीं पे अचानक, और वहाँ पे अगर
फायर एक्सटिंग्विशर है इस तरह का, तो उसको अगर कोई आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपके स्कूल में अगर है तो इसको चलाया कैसे जाए इसके बारे में बच्चों खुद सब इसको बोलो, इसको कैसे चलाया जाए इस बारे में जानिए और इसको ध्यान से दीजिए। सबसे पहले इसमें एक सुई है, इसमें एक मीटर लगा हुआ है, अगर वो सिग्नल हरे पर है तो मतलब ये चालू हालत में है। आपको बहुत ही काम की चीजें बताई है, वो सब चीजें जो हम लोग किताबों में खाली पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल डेमो करके भी दिखाया है। 3 दिन से लगातार ये बच्चों के साथ लगे हुए हैं, इनके लिए एक जोरदार जहाँ पर